मुझे यकीन नहीं, मैं नहीं मानती ये सब जो कह रहे हैं। सारी रात तो वो मुझसे लिपट कर सोती है, फोन को तो ठीक से पकड़ नहीं सकती, वो कैसे बातें करेगी किसी से। और 100 दफा मैं रात को उठाती हूँ उसे कि मुझे पानी पिला दे, ये कैसे हो सकता है? किस वक्त वो बात करेगी किसी के साथ? ये नहीं हो सकता बेटा। हाँ बेटी, तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। ये शाहजहान का ही दिमाग है, वो ही ऐसे सोचते। शाबाश पुप्पो, सारी जिंदगी अपने बेटे को मेरे खिलाफ भड़काती रही, अब मेरे बेटे को भी मेरे ही खिलाफ भड़का रही है। पुप्पो क्या कर रही है अम्मी, दादी की हालत तो देखें। कुछ तो खुदा का खौफ करे, मौत के दरवाजे को हाथ लगाकर वापस पलटी है, अभी भी आप बाज नहीं आई। खुदा का खौफ कभी तूने खाया है शाहजहान, जो मुझे कह रही है? या अल्लाह, ये जमीन क्यों नहीं फट गई? अरे कोई ऐसे मारता है अपनी बच्चियों को? आप पीटने की बात करती हैं अम्मा, मैं तो इसकी जान ले लूंगा, मेरी बेटी का नाम लगा दिया। मुबारक हो पुप्पो, बाप और बेटे को एक दूसरे के मुकाबले कर दिया ना, देखे कैसे आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है वो अपने बाप से। मुकाबला नहीं कर रहा हूं अम्मी, लेकिन सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर हाला के साथ मारपीट करना कहां का इंसाफ है? और अगर आपने इल्जाम पर ही फैसला करना है ना, तो इल्जाम तो रूमी और समीन पर भी लगा है। हमजा, तुम मुझ पे शक कर रहे हो? शक नहीं कर रहा हूं यार। तुम्हें शर्म नहीं आ रही हमजा? तुम अपनी बहन के बारे में ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? इस घर की तीनों लड़कियां मेरी इज्जत है, लेकिन जब तक इस मामले की तह तक नहीं पहुंचूंगा सकून से नहीं बैठूंगा। कहां है समीन का फोन? समीन का फोन दीजिए, कॉल रिकॉर्ड निकलवाऊंगा। लेकिन जब तक असल मुजरिम साबित नहीं हो जाता, किसी को सजा नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं। कोई कुछ भी कहे, मेरी बेटी पर तो इल्जाम लग गया है ना, और वो अभी इस शख्स पता नहीं कहां कहां क्या क्या मशहूर करता फिरेगा। मेरी बेटी का मुस्तकबिल तो दांव पर लग गया। कोई मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगा। मैं अभी और इसी वक्त हमजा और समीन के रिश्ते का ऐलान करती हूं, मुझे अपनी समीन पर पूरा भरोसा है। बात हो गई है दादी, आए चलो। बेइज्जती के जख्म को अगर हमदर्दी के मरहम से पोछना था तो असल जिल्लत तो मेरी हाला के हिस्से में आई है ना। Assalamualaikum, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट।